नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी माउंट आबू में हूँ और ये माउंट आबू का गुरुद्वारा बस स्टैंड के बिल्कुल पास में ही, इधर ही बस स्टैंड है थोड़ा सा आगे चलते ही। तो आज का ये वीडियो यहाँ से हम शुरू करते हैं और मेहसाणा गुजरात तक जाएंगे। नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो बने रहें पूरे वीडियो में। और आज से ये गुजरात का ट्रिप मेरा शुरू हो रहा है, गुजरात में एंट्री हो जाएगी। तो आगे फिर अगले कुछ दिन तक हम गुजरात को ही देखने वाले हैं, तो बने रहें। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो ये वीडियो यहां से हम शुरू कर रहे हैं। और ये हमारा आज का रूम था जो हमने यहाँ दो रात निकाली है। डबल बेड, ये कंबल, तकिया, ये टेबल, ये तो मेरा बैग रखा है, ये मेरा बैग है। और ये आपको सामान रखने के लिए दो अलमीरा, और ये यहाँ पे एक शीशा लगा हुआ है, ये चार्जिंग के पॉइंट, लाइट, और ये कपड़ा रखने के लिए, इधर एक खिड़की भी है। तो इस तरह से ये ठीक ठाक रूम गुरुद्वारे में 300 रुपये मुझे मिला, जो शायद आपको माउंट आबू में कहीं भी नहीं मिलेगा। और ये डबल बेड है, मैं तो अकेला था, यहाँ पे आप दो आदमी या तीन आदमी भी रुक सकते हैं, तो आपका सो सो ही एक जने का आता है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं बस स्टैंड की तरफ। और ये यहाँ गुरुद्वारा का मेन गेट, और ये बिल्कुल बस स्टैंड के पास में ही है, काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है और बहुत अच्छे लोग हैं। आइए चलते हैं बस स्टैंड की तरफ। और अभी हम पालनपुर बस स्टैंड पहुंच गए हैं। ये पालनपुर का बस स्टैंड है। और ये हमारी बस गुजरात ट्रांसपोर्ट की, जो हमें यहाँ माउंट आबू से पालनपुर तक लेके जाएगी। पालनपुर तक हमें जाना है आज, और ये बस है। आइए सफ़र शुरू करते हैं। और ये हमारी बस खाली है, यहीं से बनके चलती है। और अभी हमारी बस यहाँ से चल पड़ी है माउंट आबू से। आपकी यात्रा मंगलमय हो। और अभी बस स्टैंड से बाहर हमारी गाड़ी निकल चुकी है और अगले 2 घंटे में हम पालनपुर पहुँच जाएंगे। यहाँ से 2 घंटे लेती है, 10 बजे अभी निकली है यहाँ से, और 12 बजे तक पालनपुर पहुँचेंगे। Thank you.
और ये आबू रोड बस स्टैंड आ गया है। यहाँ पर आबू रोड माउंट आबू से तकरीबन 35-40 किलोमीटर दूर है। यहाँ रेलवे स्टेशन भी यहीं पर है। यदि आप रेल से आते हैं और माउंट आबू जाना होता है तो यहाँ उतरकर फिर हमें जीप से या बस से या जो भी साधन मिले उससे हमें माउंट आबू ऊपर जाना होता है। तो यहाँ तक ट्रेन है आबू रोड माउंट क्या बोलते हैं इसको आबू रोड तक। यदि आबू रोड का बस स्टैंड है सामने, हमें और आगे चलना है। अभी ये 2 मिनट यहाँ रुकेगी और फिर आगे चल पड़ेगी गाड़ी। और आबू रोड से अभी वापस निकल गए हैं बस स्टैंड से।